जी फरमाइए सवाल दो। जी बेशक माज अल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ मैं समझ गया मैं बता रहा हूँ। देखिए मसलके अहले सुन्नत ही का दूसरा नाम मसलके आला हजरत है और मसलके आला हजरत ही से दीगर फिरकों से इम्तियाज होता है, वरना देवबंदी वहाबी सभी कहते हैं कि हम अहले सुन्नत है और हम भी कहें अहले सुन्नत है तो फर्क कैसे पैदा होगा। तो दौरे हादिर में मसलके आला हजरत जब तक नहीं कहोगे तो इम्तियाज नहीं होगा कि अहले सुन्नत नबी के सच्चे मानने वाले कौन हैं। ये इसी नारा से इम्तियाज होता है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा फाजल बरेलवी का अहले सुन्नत पर बड़ा एहसान है कि उन्होंने हमारा अकीदा भी बचाया, ईमान भी बचाया, अहले सुन्नत के मरासिम को भी बचाया। अबू दाऊद शरीफ की हदीस शरीफ है कि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है इन्नल्लाहा यवअफो लिहादिहिल उम्मा अला कुल्ले अला रासे कुल्ले मियतिन सनतिन मै यजद्दिदु लहा दीनहा। हर 100 साल के बाद अल्लाह ताला एक मुजद्दिद पैदा फरमाता है जो दीन में तजदीद फरमाता है। आमतौर पर ये समझिए जो उम्मत को भूले हुए अहकाम को याद कराता है और नबी के मुर्दा सुन्नतों को जिंदा करता है, अफ्रीका के उलझे हुए अहकाम को सुलझाता है, उसे मुजद्दिद कहते हैं। मुजद्दिद मेहनत से नहीं बनता है, मुजद्दिद अल्लाह ताला भेजता है। हदीस में या बसो भेजता है अल्लाह ताला मुजद्दिद भेजता है। आदमी मेहनत से वली तो बन सकता है मगर मुजद्दिद नहीं बन सकता है। जिस पर अल्लाह का करम होगा, जिसे अल्लाह मबूस फरमाता है, वो मुजद्दिद होता है। तो जब बदअकीदे पैदा हो गए, सरकारे कायनात सल्लल्लाहु ताला सल्लम के इल्म को जानवर से तशबीह देने लगे और कहने लगे कि शैतान का इल्म ज्यादा है माज अल्लाह, हुजूर का इल्म कम है, हुजूर मरकर माज अल्लाह मिट्टी में मिल गए। कहने लगे कि हुजूर दारुल उलूम देवबंद के शागिर्द है माज अल्लाह, सदबार माज अल्लाह। कहने लगे नबी गैब नहीं जानते, दीवार के पीछे की खबर नहीं है। तो उस वक्त आला अल्लाह ताला ने अपने करम से सन 1272 हिजरी में बरेली शरीफ महल्ला जसोली में मुजद्दिद बनाकर इमाम अहमद रजा को पैदा फरमाया। आला हजरत का घर वालों ने नाम, आला हजरत के घर का आज भी तरीका है कि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उनका नाम मोहम्मद रखा जाता है और तारीखी नाम अल मुख्तार रखा गया, अल मुख्तार। और दादा हुजूर ने नाम रखा अहमद रजा, अहमद रजा, सुभान अल्लाह। मगर आला हजरत अजीमुल बरकत ने खुद से अपना नाम लिखा अब्दुल मुस्तफा अहमद रजा। दादा ने रखा अहमद रजा और आला ने क्या रखा? अब्दुल मुस्तफा अहमद रजा। क्यों? जो मुस्तफा का अब्द हो जाएगा वो जहन्नम में नहीं जा सकता है, जो अब्दुल्ला होगा वो जहन्नम में जा सकता है। जैसे अबू जहल अब्दुल्ला है, जहन्नम में जाएगा। अबू लहब अब्दुल्ला है, जहन्नम में जाएगा। थानवी अब्दुल्ला है, जहन्नम में जाएगा। नानौतवी अब्दुल्ला है, मर जहन्नम में जाएगा। तो जो अब्दुल्ला है वो जहन्नम में जा सकता है, मुझे जो अब्दुल मुस्तफा होगा जहन्नम में नहीं हो सकता है। आला फरमाते हैं खौफ नरख रजा जरा कि तू तो है अब्दुल मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। सुभान अल्लाह। ये आला हजरत अजीमुल बरकत जिसने 4 साल की उम्र में नाजरा मुकम्मल कर लिया, नाजरा 4 साल की उम्र में, अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए 4 साल की उम्र क्या होती है और आला हजरत ने 4 साल की उम्र में नाजरा मुकम्मल कर लिया। और 6 साल की उम्र थी, 6 साल की उम्र तो सबसे पहले तकरीर आला हजरत ने फरमाई 6 साल की उम्र में। और उन्वान क्या था? मीलादुन नबी। बताइए 6 साल का बच्चा अब मीलादुन नबी पे खिताब फरमा रहे उलमा सुलहा फुकरा से, और इतना उम्दा खिताब जो उलमा अंगुश्त बदंदा है कि 6 साल बच्चा
मिलादुन नबी पर इतना सबूत दे रहे हैं सुभान अल्लाह। और फरमाया वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, होते कहा खलीलो बिना काबो मेना लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। आला हजरत फरमा, आला हजरत अजीमुल वक्त एक मरतबा बदायूं शरीफ गए, बदायूं शरीफ बरेली शरीफ से आगे बदायूं शरीफ, अहले सुन्नत का वो भी एक मरकज है बदायूं शरीफ, मौलाना फजल रसूल बदायूनी के उर्से पाक में गए तो एक मौलाना सिराज नाम का था जो मिलादुन जो वहां पर तकरीर फरमा रहे थे तो अपनी तकरीर, और आला हजरत उस वक्त हुजरा शरीफ में थे, तो उस मौलाना ने अपनी तकरीर में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कयामत आएगी तो सबसे पहले हुजूर के जस्ते पाक में रूह डाली जाएगी। आला हजरत ने रूह में तकरीर सुन रहे थे, फरमाया मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी से अगर आपका हुक्म तो इस मौलाना को मैं स्टेज से उतार दूं, इसलिए कि ऐसी तकरीर कर रहे हैं जैसे हयातुन, जिससे हयातुन नबी का इनकार लाजिम आता है, ये कहते रूह डाली जाएगी, इसका मतलब हुजूर जिंदा नहीं, रूह डाली जाएगी, हुजूर के जस्म में तो हमेशा रूह मौजूद है, डाली क्या जाएगी, हमारा अकीदा है कि हुजूर हयातुन नबी है हकीकी जिस्मानी के साथ जिंदा है तो रूह क्या डाली जाएगी, एक लम्हा के लिए मौत का मजा चखाया गया था, फिर रूह तो वही है जहां उनका मुस्तकर है, हुजूर आज भी जिंदा है। तो मां अब्दुल कादिर बदायूनी ने कहा कि ए लोगो जब मौलाना अहमद रजा साहब आए तो ऐसे कैसे ऐसे ऐसे कम इल्म से तकरीर मत कराया करो, अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मैं मेरी मुआका मुझे साथ ले लो, कहें रस्ते में जा बजा थाने वाले। और फरमाते अंबिया को भी जल आनी है मगर इतनी के फकत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसल साबित वही जिस्मानी है। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान कमोबेश 55 उलूम पे महारत तामा हासिल था, महारत महारत फिल बदी, हम लोगों को तो किसी इल्म पे महारत नहीं है, इल्म है थोड़ा बहुत महारत नहीं है, दस्तरस नहीं है, मगर आला हज़रत को 55 उलूम में महारत तामा हासिल था सुभान अल्लाह। जो जिस जबान में सवाल करे उसी जबान में जवाब अता फरमा देते थे। और जब बदअकीदों ने कहा सुनिए गौर से चंद बातें, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने कहा कि फातिहा करने का सबूत और इतीजा 40वां बरसी का दिन मुतय्यन करके करना ये तो बिदअत है, इसका सबूत नहीं, एक सवाल पर। तो आला हज़रत के जवाब में क्या किताब लिखी, मुताला कीजिए किताब का, आला फरमाते हैं अल हुज्जतुल फातिहा लतीबी तय्युने वल फातिहा, एक किताब लिखी एक सवाल पर, फरमाया फातिहा करना हदीसों से साबित है, दिन का तय्युन करना हदीसों से साबित है, ये कम अकल है, दिन का तय्युन नहीं करेगा तो उससे पूछे अपनी बेटी का निकाह किस तारीख में करोगे, जब दिन तय्युन नहीं करोगे बेटे का अकीका किस तारीख में करोगे, तुम अपने देवबंद का जलसा किस तारीख में करोगे, जब दिन का तय्युन करना ही बिदअत है तो तू तय्युन करके काहे को करता है भाई। अल्लाह के रसूल ने बाद अहकाम के दिन के तय्युन का इख्तियार बंदों के हाथ में दिया है, आला हजरत ने इस पे किताब लिखी, मुताला कीजिए। फिर देवन के बाद उलमा ने कहा, अल्लामा शिबली ने कहा, सर सैयद अहमद ने भी कहा कि हुजूर को मिराज जिस्मानी नहीं हुई, रूहानी मिराज है, माजल्ला माजल्ला। तो आला हजरत सरकार ने एक किताब लिखी उसके ऊपर मुनब्बिहुल मय्यना लहुबु ले उसूलिल हबीब इलल अर्शिर रुया, आला हजरत ने इस किताब लिखी और फरमाया कि हुजूर को मिराज जिस्मानी हुई और अपने माथे की आंख से रब का जलवा देखा, मा सागल बसरो मा तगा लकद रआ मिन आयाते रब्बिहिल कुबरा, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। और आला फरमाते हैं सुभान अल्लाह, उठे जो कसरे दना, उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे, वहां तो जाही नहीं दोही की, न कह के वो भी न थे, अरे थे हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी वसल फुरकत जन्म के पीछे गले मिले थे। जब लोगों ने कहा दरूद ताज का पढ़ना शिर्क है बिदअत है हराम है, क्योंकि दरूद ताज के जो जुमले हैं है कि नहीं, सरकार को कहा गया है क्या फरमाया कि ये जो है दाफिउल बला है वल अलम है, तो नबी दाफिउल बला माजल्ला कैसे हो सकते हैं, यह हदीस पढ़ते ही नहीं है, बुखारी शरीफ में हुजूर का दाफिउल बला कहा गया है माजल्ला रब्बिल आलमीन। तो हुजूर ने इस पर एक किताब लिखी आला हजरत ने पूरे एक सवाल पर, दरूद ताज को
जब का शिर्क है तो उस पर एक किताब लिखी, क्या लिखी, अल अमनो वल ओला, अल अमनो वल ओला लेना अतिल मुस्तफा बेदाफिल बला, कमोबेश 300 सफा पर इतने अहादीस नकल कर दिए कि सारे बदअकीदे मिलकर इस किताब का जवाब आज तक नहीं दे पाए। किल के रिदा है खंजर खूखार बरकबा, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें, ये रजा के नेजे की मार है कि उदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि वार वार से पार है, अब मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस दिन आ गए हो सिक्के बैठा दिए हैं, आज भी देवबंदी अब तक इनकार करते हुआ अभी भी कि हुजूर का साया है। मरपूरे देवबंदियों से मेरा मुतालबा है बदअकीदों से एक हदीस तो पढ़ के बताओ, अरे एक हदीस तो पढ़ के बताओ, एक जुजिया तो पेश करो कि हुजूर का साया था, वरना अबुल हकानी से हदीस सुनो तो एक हदीस तो देते नहीं, खाली चिल्लाते हुजूर का साया था, हुजूर का साया था, हुजूर का साया था। तो आला हजरत ने अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी एक किताब लिखी और किताब का नाम रखा नफीउल फै अमन इस्तनारा बेनूरे कुल्ले शय, जिस नूर से कायनात रोशन है उस नूर का साया नहीं। सुभान अल्लाह, तू है साया नूर का, हज टुकड़ा नूर का साया न होता है न साया नूर का, अब तेरी नसर पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हुजूर हुजूर जो का साया नहीं था, हुजूर नूर भी है बशर भी है, मगर हमारी तरह मादल्ला मादल्ला हुजूर हमारी तरह बशर नहीं है, हुजूर जो है मक्की बशर है, नूर मक्की नूर नहीं, नूर तो कुदसी है, नूर तो कुदसी है, अब बशरियत मक्की है, मदनी है, हाशमी है, करशी है, ये बशरी है, और नूर तो कुदसी है बाबा, उस नूर का क्या जवाब हो सकता है। आला हजरत फरमाते हैं वो कुमारी पाक मरियम नफख तो फी है कदम है जब निशान आजम मरहमना का जाया वही सबसे अबदल आया, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक न यक बनाया, और वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, और सुनिए गौर से सुनिए, जब कहा गया कि हुजूर हुजूर नूर है तो लोगों के पेट में दर्द हो गया कि हुजूर नूर माज अल्लाह कैसे हो सकते हैं। अरे जुल्म तो देखो मौलाना, अल मुसन्नफ का हवाला दिया आला हजरत सरकार ने, तो ये नया एडिशन जो अल मुसन्नफ छपा इसकी बद्दियांती देखिए, इस किताब से इसने हदीसी को निकाल दिया कि जो हजरत जाबिर से रवायत है कि इन्नल्लाह ताला खलका कबल अशिया नूर नबी का, कि सबसे पहले अल्लाह ने तेरे नूर को पैदा फरमाया, वजअल ज़ालिका नूर यदूर बिल कुदरते हैशोशा, फिर अल्लाह ने पैदा किया और अपने कुर्बे खास में रख लिया, हदीस है पैदा करके कुर्बे खास में रख लिया। अब नूर रब का जलवा देख रहा है और रब की मशीयत महबूब का जलवा देख रही है, अब कितने साल लगा कितने हजार साल लगा अल्लाह जाने अल्लाह का रसूल जाने, हदीस है ना कि नूर को पैदा किया और कुर्बे खास में रख लिया, कोई क्या जाने क्या हो, आला फरमाते कोई क्या जाने क्या हो, अकले आलम से वरा हो, कंजे मकतूम अदल में दुर्रे मकनूने खुदा हो, ये इंसान के बस से बाहर है, फरिश्ते नहीं जान सकते तो ये बुद्धू क्या जानेंगे, है कि नहीं। सुभान अल्लाह, तो सुनिए, तो इसने उस हदीस को इस किताब से निकाल दी। अरे कितनी किताबों से निकालोगे, पुराने एडिशन में है यह हदीस मौजूद, कितनी किताबों से निकालोगे, अल्लामा पुस्तलानी ने मवाहिब दुनिया शरीफ के सफा 113 पर, और सफा 113 के 70-11 से लेकर 70-32 तक ये लंबी हदीस नकल की है, कहां कहां से निकालोगे नूर वाली हदीस। अगर पूरी दुनिया में हुफाज़े किराम न होते और अल्लाह ताला कुरान की हिफाजत का जिम्मा अपने क्रम में न लेता तो हो सकता है नूर वाली आयत कुरान से भी निकाल देता, इतनी दुश्मनी माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, सदवार माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तो आला हजरत ने इस पर किताब लिखी सलातुस सफा फी नूरिल मुस्तफा, कि हमारे नबी नूरुन अला नूर है, दुनिया में आए लिबास बशर में, वरना उनकी हकीकत तो नूर है, उनकी हकीकत क्या है नूर है। कादियानों ने माज़ल्लाह सदवार माज़ल्लाह इनकार किया कि इमामुल अंबिया खातिमुल अंबिया नहीं है, हम भी ज़ैली नबी बन के पैदा हुए हैं, नबूवत का दरवाजा खुला हुआ है,
और जब उनसे पूछा गया कि तुम इस तरह का दावा कैसे करते हो, तो कहा अगर दावा करके हम काफिर हो गए तो दरवाजा खोलने वाला क्यों मुसलमान रहेगा। बोले किसने दावा खोला? बोले तहजीरुन नासिर मौली कासिम नानोतवी ने तो लिखा है कि अगर नबी के बाद भी कोई नबी आ जाए तो खातिमियत में फर्क नहीं आएगा, तो दरवाजा उसने खोला है। तो हमने सोचा कहीं वो दावा ना कर ले, तो हमने ही दावा कर लिया कि दरवाजा तो खुला हुआ है, अगर हम काफिर है तो वो भी काफिर है। माद अल्लाह रब्बिल आलमीन। आला हजरत सरकार ने कादियानियों के रद में किताब लिखी अस्सु वल इकाब अलल मसीहिल कज़ाब, और फरमाया खत्म बाबे नबूवत पे रोशन दरुद, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। और उनके शहजादा मुफ्ती आजम सरकार फरमाते हैं जो सबसे पिछला हो फिर उसका पिछला हो नहीं सकता, क्योंकि पिछला नहीं अगला हुआ उससे बड़ा तुम हो, तुम ही से खत्म फरमाई, तुम ही पे खत्म फरमाई, रसूल की इब्तिदा तुम हो, नबी की इंतहा तुम ही से खत्म फरमाई, तुम ही पे खत्म फरमाई, रसूल की इब्तिदा तुम हो, नबी की इंतहा तुम हो। वहाबियों ने कहा माद अल्लाह सदवार माद अल्लाह, लिखा के खुदा झूठ बोल सकता है, तौबा तौबा एक करोड़ तौबा। तो आला हजरत ने उसके जवाब में किताब लिखी सुबहानुस्सुबू।